व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं। बोरूटो एनीमे एपिसोड 199 रिलीज हो चुका है और फिर से इतनी खुशी मुझे आज तक। जोक्स अपार्ट, ये एपिसोड भी हमारे उम्मीदों पर खरी उतरी है। मुझे इस एपिसोड से कोई भी शिकायत नहीं है, मुझे लगता है आप लोगों को भी कोई शिकायत नहीं होगी। होगी तो कमेंट कर देना। अगर ये एनीमे ऐसे ही चलता रहे तो इसकी रेटिंग उतनी ही हो जाएगी जितनी इसकी थी मोमोशी की वाले आर्क टाइम। पिछले एपिसोड की तरह इस एपिसोड ने भी धमाका इनटू 100 कर दिया है। इसके बाद वाला पार्ट पूरा स्पॉइलर होने वाला है, तो अगर आपको स्पॉइलर नहीं चाहिए तो क्या कर रहे हो? एपिसोड 199 देख के आओ। एक्सप्लेनेशन, एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां पिछला एपिसोड जस्ट खत्म हुआ था। डेल्टा बहुत बुरी तरीके से गुस्सा है क्योंकि कावा की हिमावारी को बचाने के लिए हीरोगिरी करता है। उसके बाद हमारा नारुतो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये हमें अच्छी तरीके से पता है कि नारुतो जब गुस्सा होता तो या तो वो रोता है या फिर वो धोता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो इस बार वो नारो के धो देता है। अब डेल्टा और नारुतो एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और दोनों एक दूसरे को एक जबरदस्त पंच मारते हैं जिससे कि डेल्टा थोड़ी पीछे हो जाती है। और यही हमें हिंट दे दिया जाता है एनिमेटर्स के द्वारा कि नारुतो कितना ज्यादा पावरफुल है डेल्टा के मुकाबले। उसके बाद डेल्टा फिर नारुतो की तरफ बढ़ती है लेकिन नारुतो उसे डॉच कर लेता है और डेल्टा को एक जोरदार एब्डोमिन में पंच मारता है जिससे डेल्टा को बहुत ज्यादा पेन होता है। और उसके तुरंत बाद नारुतो एक किक भी मार देता है उसके हेड में जिससे डेल्टा दूर जाकर गिर जाती है लेकिन वो अपने आप को संभाल लेती है। फिर डेल्टा नारुतो की तरफ बढ़ती है, उसे एक पंच मारती है जिससे नारुतो 2 इंच हिलता है और नारुतो उसके काउंटर में एक और पंच मारता है उसे जिससे डेल्टा को 5 से 6 गुना ज्यादा चोट लगी है नारुतो के मुकाबले। फिर डेल्टा नारुतो को एक किक मारती है लेकिन काउंटर में नारुतो उसे एक पंच मार देता है, फिर से वो दूर में गिर जाती है। क्या बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद डेल्टा नारुतो को एक किक और एक एल्बो मारकर जमीन पर गिरा देती है। उसके बाद एक स्काई अटैक मारने की कोशिश करती है लेकिन नारुतो उसे आसानी से डॉच कर लेता है। फिर दोनों की तरफ बढ़ते हैं, डेल्टा नारुतो को एक किक मारने की कोशिश करती है लेकिन नारुतो उसे डॉच कर लेता है। फिर डेल्टा एक पंच मारने की कोशिश करते हैं लेकिन नारुतो उसे भी डॉच कर लेता है। फिर नारुतो डेल्टा को एक पंच मारने की कोशिश करता है उसके फेस पर लेकिन उससे डेल्टा को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नारुतो डेल्टा को पकड़ लेता है और उसे जमीन पर पटक देता है। फिर नारुतो और डेल्टा के बीच एक बड़ी सी हैंड एंड किक कॉम्बैट फाइट हो जाती है जिसे मैं बोलकर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो पार्ट दिखा देता हूं आपको। फिर हमें बोरूटो, कावाकी और हिमावारी के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है कि नारुतो और डेल्टा के बीच बिजली की तरह फाइट हो रही है जो कि इतनी तेज थी कि बोरूटो, कावाकी और हिमावारी को समझ नहीं पा रहे थे, बस मुंडी हिला रहे थे। और बिजली वाली फाइट खत्म करने के लिए नारुतो एक फाइनल पंच मारता है डेल्टा को और डेल्टा उससे दूर गिर जाती है। और पता नहीं क्यों एनिमेटर्स हमें इस बार ये दिखा रहे हैं कि नारुतो का स्टैमिना बहुत ज्यादा कम हो चुका है या फिर वो बहुत ज्यादा जल्दी एग्जॉस्ट हो जा रहा है। अगर इसका आंसर किसी को पता है तो कमेंट कर देना। डेल्टा के मुंह से खून निकल जाता है और उसके बाद डेल्टा सोचते हैं कि थोड़ा वेट करते हैं और जब नारुतो थोड़ा शांत हो जाएगा तब डेल्टा अपने डिस्ट्रक्टिव बीम से उसे 1 हिट ब्लो कर देगी। उसके बाद नारुतो डेल्टा की तरफ बढ़ता है और उसे बताते हुए चलता है कि उसने वार्न किया था कि अगर इन बच्चों पर वो उंगली उठाएगी तो वो उसे मार देगा। और वो उसे ये भी बताता है कि वो हर एक कारा मेंबर को डिस्ट्रॉय कर देगा और इस कारा ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। फिर डेल्टा देखती है कि नारुतो उसके बहुत करीब आता जा रहा है और इसी का वो वेट कर रही थी। फिर बोरूटो समझ जाता है कि डेल्टा का प्लान क्या है, फिर वो नारुतो को रुकने भी कहता है लेकिन नारुतो ना रुकते हुए उसके पास चला जाता है। फिर डेल्टा अपना डिस्ट्रक्टिव बीम रिलीज करती है और नारुतो उसे रासेंगन से डॉच कर लेता है। फिर नारुतो एक मैसिव रासेंगन बनाता है और डेल्टा उसे अपने आंखों से एब्जॉर्ब करने लगती है। फिर नारुतो ना रुकते हुए अपना पूरा चक्रा रासेंगन पे डालता रहता है और डेल्टा उसे सोक करते रहती है। फिर नारुतो और बड़ा रासेंगन बनाकर उसके तरफ डालता है लेकिन डेल्टा उससे भी एब्जॉर्ब करने लगती है। फिर बोरूटो समझ जाता है कि वो क्या करना चाहता है। नारुतो तब भी उसके तरफ कंटिन्यूसली चक्रा रासेंगन के रूप में थ्रो करता रहता है और डेल्टा उसे एब्जॉर्ब करती रहती है। फिर डेल्टा सोचती है कि इसका कोई लिमिट नहीं है क्या, ये तो चक्रा फर्स्ट फ्लो कर ही जा रहा है। फिर डेल्टा समझ जाती है कि नारुतो का प्लान क्या है। फिर बोरूटो कावाकी को बताता है कि नारुतो का प्लान क्या है, वो बस डेल्टा का एब्सॉर्बिंग लिमिट को तोड़ना चाहता है। उसके बाद एज अकॉर्डिंग टू नारुतोस प्लान डेल्टा का एक आंख खराब हो जाता है जिससे वो चक्रा एब्सॉर्ब करती थी। फिर डेल्टा के राइट आई का सारा फंक्शन लॉस्ट हो जाता है। फिर नारुतो एक सुपर मैसिव रासेंगन बनाता है। उसके बाद नारुतो ये भी बताता है कि जब डेल्टा ने उसका पहला रासेंगन एब्सॉर्ब किया था तब उसने उसे बाद में थ्रो बैक भी किया था, जिसका मतलब ये होता है कि डेल्टा के पास एक लिमिटेड स्टोरेज है चक्रा को एब्सॉर्ब करने के बाद, वो एक लिमिट तक ही जा सकता है। नारुतो इस बात को समझते हुए एक प्लान बनाता है जिसमें वो एक बड़ा सा रासेंगन बनाता है, उसके ऊपर तब तक रिलीज करता रहता है जब तक कि ना उसका लिमिट टूट जाए और उसके आंख के सारे फंक्शंस खराब हो जाए। उसके बाद नारुतो उस पर सुपर मैसिव रासेंगन थ्रो कर देता है जिससे डेल्टा तो नहीं बच पाती है। उसके बाद नारुतो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद नारुतो डेल्टा की तरफ बढ़ता है और बोरूटो उससे पूछता है कि आप अब क्या करने वाले हो उसके साथ। तो नारुतो बताता है कि अब वो उससे क्वेश्चन पूछेगा कारा रिलेटेड। फिर कावाकी बोलता है कि वो अब भी जिंदा है और कावाकी उसे मार देना
देने को कहता है। फिर डेल्टा के अंदर से एक नॉइज आती है जिससे नारुतो समझ जाता है कि वो अब सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने वाली है और वो कावाकी बुरुटो को लेकर दूर चल जाता है और एक बड़ा धमाका हो जाता है जिससे डेल्टा को दिखाया जाता है कि डेल्टा खत्म हो चुकी है। और काशिन कोजी अपने फ्रॉग से अब ये सब देख रहा होता है और ये देख कर वो बताता है कि नारुतो के पास बहुत ज्यादा ट्रेमेंडस अमाउंट में चाकरा है। और फिर वो बोलता है कि ये सब भी एनफ नहीं है, जब कारमा का सीक्रेट रिवील होगा तो ये उसके सामने कुछ भी नहीं होगा। ये वीडियो इतना तक ही था। ये मैंने चैप्टर 199 का बस हाफ पार्ट ही एक्सप्लेन किया है क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती तो मैंने इतना ही एक्सप्लेन किया है। मैं नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी निकाल दूंगा तो वो मिस मत करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, हो सके तो कमेंट भी कर देना और ऐसे वीडियोस अगर चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना।